और इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है और सातों के सातों बेस्ट है भाई। लाइन नहीं बोल गया मैं, पसीने पूछ पूछ के वीडियो बनाता हूँ, देख रहे हो, गीला हो गया, गीला रुमाल की बात करो बे। क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक चाय पिलाना किसी इंसान को इतना भारी पड़ सकता है कि आपको सदा जिंदगी भागना पड़ेगा भाई उस इंसान से जिसको आपने चाय पिलाई। तो इसी टॉपिक को लेके आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी सीरीज जिसको देखने के बाद तुम मेरा चैनल पक्का सब्सक्राइब खरीदोगे यार, नहीं इस बार खरीदोगे मुझे पक्का कन्फर्म है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। इस सीरीज को आप बच्चों के साथ बिल्कुल मत देखना क्योंकि ये सीरीज बच्चों के लिए है ही नहीं, इसलिए अकेले में देखना है सीरीज को। इस सीरीज में वो दृश्य दिखाया गया है, अगर वो दृश्य बच्चों ने देख लिया तो मेरे भाई शायद तुम बच्चों के सवाल का कभी जवाब ना दे। यकीन मानो बच्चों के सवाल जो होते हैं औंधे ही होते हैं। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सामने वाला आपसे लगातार झूठ बोला जा रहा है मगर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि उसको ऐसा ना लगे कि आपको उसकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और इसलिए आप उसकी बात सुनकर कंटिन्यूसली स्माइल करे जा रहे हो। बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है ये। मेरा यकीन मानो गुरु, अगर वो झूठ बोलने वाली एक लड़की हो ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस वियर्ड सी स्माइल को कंटिन्यू अपने फेस पे मेंटेन रखना, वरना आजकल के लोग मौका कहां छोड़ते हैं आपकी गलती पकड़ने के लिए। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे बंदे से जिसका भाई एक ही सपना है कि वो लोगों को खुश कर पाए, मतलब खुश करेगा मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन, तुम क्या समझे थे। तो गुरु इस बंदे की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है मगर वो कहते नहीं है, खामोशी आने वाले तूफान का संकेत होता है और वही इस बंदे के साथ होता है। तो राइम हो गया। और इस बंदे की लाइफ में वो तूफान बनकर आती है ये लड़की। असल में भाई ये लड़की थोड़ी है, ये तो चलता फिरता बॉम्ब है, ये तो डबल मीनिंग से लग रहा है काट। और गुरु ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं होता जो एक बार आया और चला गया, ये वो तूफान होता है जिसको ये तो पता होता है एक बार आना कैसे है मगर जाना कैसे ये किसी को नहीं पता होता। इस सीरीज का नाम है बेबी रेनडियर। ये कुछ रोमांटिक से फील नहीं हो रहा? अगर तुमको कोई ये रोमांटिक सीरीज लग रही है तो ऐसा सोचना भी मत, ये नाम बस सुनने में रोमांटिक लग रहा होगा मगर ऐसा है नहीं। इस सीरीज का जो मेन लीड है जिसका नाम होता है डोनी, डोनी को बनना है एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो फिलहाल अपनी जिंदगी में अभी स्ट्रगल कर रहा है और एक बार में एज अ बारटेंडर काम कर रहा होता है और सडनली वहां पर एंट्री होती है इन मोहतरमा की, इनका नाम है मार्था। हाँ ये वही तूफान है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जिस टाइम ये इस बार में एंट्री करती है इस टाइम इनकी जिंदगी बहुत दुख में है, देखने पे आपको लगेगा भी ऐसा। तो ये दुख दर्द समझ के हमारा डोनी सोचता है कि चलो कुछ भलाई कर लेनी चाहिए। और डोनी जब मार्था को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये कुछ सैड है, तो डोनी उसके पास जाता है और पूछता है मैम आपको कुछ चाहिए, और वहां से मार्था का जवाब आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद अपना लोंडा जिगर में जान भर के सीधा मार्था से ये बोल देता है कि मैम आपको यहाँ पे रुकने के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, चलो एक काम करते हैं आप एक चाय ले लीजिए उसके पैसे मैं दे दूंगा। और यहीं से उसकी जिंदगी की तबाही स्टार्ट हो जाती है। नहीं मार्था की नहीं, डोनी। आपको अभी तक तो सुनने में बहुत ज्यादा फिल्मी लग रहा होगा ना मगर आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जो भी सीरीज में बताने वाला हूँ ये सब रियल में हो चुका है, असल में ये सीरीज एक रियल घटना पे आधारित है। तो भाई मजाक में मत लेना इस चीज को, कल को तुम्हारे साथ भी हो जाए तो मेरे पास मत आना, मैं पहले बता रहा हूँ। मगर मुझे पता है यार तुम तो पक्का हरामी, तुम कोई ना कोई सलूशन तो निकाल ही लोगे अपने लिए, पता है। तो मार्था को डोनी से प्यार हो जाता है उसकी ये महानता देखने के बाद, मतलब वो उसके पीछे पागल हो चुकी है भाई। और वो पागलपन देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मुझे खुद आया था। और वो पागल के साथ साथ थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है और डोनी को ये रियलाइज हो जाता है कि अगर मार्था को ये पता लग गया कि डोनी किसी और लड़की से बात कर रहा है तो मार्था तो उस डोनी को माफ कर देगी मगर उस नई लड़की को साफ कर देगी। ये तो राइम हो गया, शाबाश। क्योंकि मार्था डोनी को लेके इस कदर पागल होती है, डोनी कहीं भी जाए मार्था उसके पीछे आई जाती है। और डोनी इस बात से मतलब पागल हो चुका है बंदा कि मैं इससे पीछे कैसे छुपाऊं, क्योंकि मार्था वो हरकतें करती है जो देखने के बाद आपको सच में मजा आने वाला है। मतलब आप भी ये सोचोगे कि यार असल में बंदा गलत है बंदी गलत। और उसके बाद डोनी की लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट और टर्न आने वाले ये तो आपको सीरीज को देखने के बाद ही पता लगेगा। अगर मैं बताने लग गया इस वीडियो में तो भाई लोग ये वीडियो 18+ हो जाएगा। अब तुम लोग मेरी बात से समझ ही गए होंगे कि ये सीरीज कितनी 18+ होने वाली है, बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं देखनी है वरना। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है और सातों के सातों बेस्ट है भाई। लाइन नहीं बोल गया मैं। इस सीरीज का टोटल 7 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग आधे घंटे का अराउंड होगा और उस आधे घंटे में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार अब मामला बोर होने लगा है। क्योंकि इस सीरीज का जो फॉर्मेट है कुछ यू सीरीज से मिलता जुलता है। अब जिसने भी यू सीरीज देखी हो उसको पता ही होगा वो कितनी ऑसम सीरीज है। तो भाई लोग जल्दी से तैयारी कर लो इस सीरीज को देखने के लिए, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है जाके देखो। और जिसने मेरे इस वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी सब्सक्राइब कर दो, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भूल लो आजकल गर्मी ज्यादा हो रही है, पसीने पूछ पूछ के वीडियो बनाता हूँ, देख रहे हो गीला हो गया, गीला रुमाल की बात करो बे। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करने वाले हैं, जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी यहाँ पे शो हो रही है जाके देख लेना, बहुत अच्छी सीरीज है ये भी, मजा आ जाएगा तुमको देखने के बाद। और मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, उल्टा कर दो मतलब वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। घंटी वंटी तुम्हें पता ही कैसे बजाते हैं तो खुद देख लेना। चलते फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके टाटा बाय बाय।